वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिलो आर गिवन द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 1000 क्विंटल्स ऑफ ए शुगर फैक्ट्री। फिट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाई द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमने ट्रेंड वैल्यू मूविंग एवरेज से निकाले थे, इस बार हमें जो ट्रेंड वैल्यू निकालने हैं वो लीस्ट स्क्वायर मैथड से कैलकुलेट करने हैं। एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2005 और फिर हमें 2005 के लिए भी एस्टिमेट करने हैं ये वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें ईयर और आउटपुट ये दिए हुए हैं। देखिए इसमें ईयर दिए हुए हैं 1904 से लेकर के 2000 तक और आउटपुट दिए हुए हैं इसमें 80 से लेकर के 92 तक के, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग आउटपुट जो उनके हुए थे। अब हम यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके ट्रेंड वैल्यू फ्यूचर के लिए डिटर्मिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर यहाँ पर नोट करने हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसके बाद उनकी क्वांटिटी नोट करनी है जो क्वांटिटी आपको दे रखी है, और ये जो क्वांटिटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर बाई सिंबल से, इसको बाई से इंडिकेट करेंगे। ईयर को हम यहाँ पर देख लेंगे कितने हैं, ये नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर 7 दिए हुए हैं और जो क्वांटिटी दी हुई है आउटपुट में वो दे रखी है इन्होंने 630। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें डेविएशन लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये फॉर्मूला बेस जो मेथड है इसका लीस्ट स्क्वायर का उससे कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मिड वाला जो ईयर होता है इसको बेस माना जाता है, इसको बेस मान करके हम इसमें डेविएशन लेते हैं। दो तरीके होते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्वेश्चन करने के, एक होता है इक्वेशन बेस और एक होता है फॉर्मूला बेस। तो अगर हम फॉर्मूला बेस क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ईयर्स गिवन होते हैं उसमें बिल्कुल जो मिड वाला ईयर होता है उसको यहाँ पर बेस माना जाता है, तो वो बेस ईयर होगा। तो बेस ईयर को हम यहाँ पर जो है एज्यूम कर लेते हैं और उससे जो डेविएशन लिए जाते हैं वो सारे डेविएशन उसी से लिए जाएंगे। तो ये जो है बेस ईयर इसको हमने एज्यूम करा है तो ये वहाँ पर आएगा 0, इसको 0 से इंडिकेट करना है। अब हमें क्या करना है, ईयर्स के डेविएशन लेने हैं। तो पीछे की साइड में जो ईयर चल रहे हैं 96, 94, 95 ये एक एक साल पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने -1, -2, -3 से इनको इंडिकेट करा है। ये हमने डेविएशन लिए हैं 1997 को बेस रख करके। और इसके बाद यहाँ पर 98, 99 और 2000 ईयर इसमें आगे चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डेविएशन एक एक साल आगे करके लिए। समीशन एक्स यहाँ पर जो है वो 0 ही आएगा क्योंकि हमने बिल्कुल मिड वाले ईयर से डेविएशन यहाँ पर लिए। इसके बाद इसमें आपको अगली कैलकुलेशन करनी है एक्स स्क्वायर की। इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो इन्हीं का होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का, 2 का और 3 का, ये स्क्वायर्स आ जाएंगे। ये स्क्वायर्स करने के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम इसमें प्रिपेयर करना है एक्स और वाई का। एक्स और वाई में आपको एक्स और वाई यानी ये जो दो कॉलम है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 80 × 3 = 240, माइनस और प्लस के जो साइन है उनका ध्यान रखेंगे, 90 × 2 = 180, 92 - 1 = 92 - के ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 94 हो जाएगा प्लस के, 99 × 2 = 198 और 92 × 3 + 2 = 276। तो ये जो कैलकुलेशन आई है इसमें आप देख लेंगे कि नेट आपके पास क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आपके पास प्लस में 56 जो हैं वो रहेंगे समीशन एक्स वाई में। अब इसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो मेन इक्वेशन होती है वो चाहिए होती है, और वो वैल्यू जो इक्वेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। ये इसकी मेन इक्वेशन होती है, तो इससे हमें ये ट्रेंड वैल्यू निकालने हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो ये ए है और जो ये बी है
इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इस कैलकुलेशन से, और इनको निकालने के लिए फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ए को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर समेशन वाई अपॉन एन, और बी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनसे हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ए निकालते हैं समेशन वाई अपॉन एन। तो समेशन वाई का टोटल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 630 और एन है यहाँ पर 7। तो 630 डिवाइड बाई 7 ये आ जाता है 90। तो ए की वैल्यू इसमें 90 है। इसके बाद हम फिर बी की कैलकुलेशन करेंगे। बी का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स वाई है हमारे पास में 56 और समीशन एक्स स्क्वायर है 28। 56 को 28 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी हमारी जो मेन इक्वेशन है वो अब हो जाएगी वाई बराबर 90 प्लस 2x। x में यहाँ पर हम ईयर रखेंगे, जो भी ईयर होंगे उसके हम उसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये अगला जो कॉलम है ये ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए ही है। अब इसमें एक एक जो ईयर है इनकी ट्रेंड वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला रखा हमने 90 प्लस 2x। तो ये इक्वेशन है हमारी 90 प्लस 2x, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस के 3 है। तो यहाँ पर हम x की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 की। तो 90 प्लस 2 इंटू माइनस 3 यानी 6 हो गया, और 6 अगर आप 90 में से माइनस कर देंगे तो पहला आपका आंसर आ जाएगा इसमें 84। सेम इसी तरह से आपको आगे तक करके चलना है। 90 प्लस 2 इंटू माइनस 2, अगला जो ईयर है उसका जो x है वो माइनस 2 है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और इसमें आ जाता है कैलकुलेशन करके 86। इसके बाद नेक्स्ट वाले में माइनस 1 है, कैलकुलेशन करके आएगा 88। अगले वाले में x की वैल्यू 0 है, 0 रखी हमने यहाँ पर, तो 90 ही रह जाएगा इसका। नेक्स्ट x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमने इसको 1 रखा तो वैल्यू आ गई 92। फिर नेक्स्ट वाले की प्लस 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 90 94। और नेक्स्ट वाला जो x है उसकी वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 90 ये आ जाता है 96। तो इस तरह से ये जो है वैल्यू आई है, और इनका जो टोटल है जब आप करेंगे तो ये एक चेकिंग भी है कि आपका इनका जो टोटल है वो हमेशा जो ओरिजिनली आपको वैल्यू दी थी उसने वाई वाली, उन्हीं के इक्विवेलेंट भी आएगा, यानी ये दोनों टोटल सेम होंगे। ये इस बात का जो है प्रूफ भी है कि आपने कैलकुलेशन जो है वो ठीक की है और आपका क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि चेकिंग हो जाती है इसमें। अच्छा, इसके बाद अब एक स्टेप और रह गया है। उसने हमें ये भी कहा था इसमें कि एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईयर 2005। 2005 के लिए हमें ट्रेंड वैल्यू निकाल के बतानी है। तो मेन इक्वेशन है हमारी वाई बराबर 90 प्लस 2x, 90 प्लस 2, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू में आपको रखना है यहाँ पर जो 2005 की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पर 2000 की वैल्यू जो है वो प्लस 3 आई है, x की वैल्यू 2000 की वैल्यू 3 है। तो अगर हम इसी तरह से कैलकुलेट करें तो 2001 की क्या क्या आनी चाहिए, 4, 2002 की 5, 2003 की 6, 2004 की 7 और 2005 की 8। तो यहाँ पर 2005 की जो x वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो यहाँ पर हम उसकी 8 वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 90 ये हम 2008 के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2008 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाई 2008 के लिए 90 प्लस 2 इंटू 8, तो 90 प्लस 16। यानी अगर हम 2005 की बात हो रही है यहाँ पे, की वैल्यू निकाल रहे हैं, 8 की नहीं निकाल रहे हैं,
दोबारा से कर देते हैं, वाई 2005 की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हो जाएगा 90 प्लस 16 106। तो 2005 की ट्रेंड वैल्यू 106 आई। तो इस तरह से जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है हम लीस्ट स्क्वायर मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला बेस में इस तरह से सारी कैलकुलेशन की जाती है।